नवंबर माह का भुगतान भी हमारे को नहीं मिल पाया है, इससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है और निगम प्रशासन ने इतने हरदर्मिता कर रखी है कि ना तो कर... क्या समस्या है आपकी? आज हम यहाँ केंद्रीय कार्यशाला माखूपुरा अजमेर के अंदर एक साथ सारे कर्मचारी इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हमें नवंबर माह का भुगतान भी हमारे को नहीं मिल पाया है, इससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है और निगम प्रशासन ने इतने हरदर्मिता कर रखी है कि ना तो कर्मचारियों को समय पर वेतन दे रही है, ऊपर से कर्मचारियों के ऊपर शोषण नीति और चला रखी है, आए दिन परेशान करना। दूसरा, कर्मचारी जब भी सैलरी के लिए बात करता है कि बोले सैलरी है ही नहीं, आगे से नहीं आ रही है, ये कर्मचारी अब इस सैलरी के ऊपर ही तो डिपेंड करता है और सैलरी समय पर नहीं मिलेगी तो कर्मचारी अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो मेरा मीडिया के द्वारा ये संदेश देना बनता है कि गवर्नमेंट के अंदर मीडिया ये संदेश डाले कि निगम कर्मचारियों के साथ ये जो दौरा व्यवहार किया जा रहा है ये बंद करे और निगम कर्मचारियों को नई बसें, नई भर्ती और समय पर वेतन दिलाया जाए। आपका नाम? गजेंद्र कुमार किराड़िया, सेंट्रल वर्कशॉप अजमेर। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत सारी है लेकिन फिलहाल हमारी सबसे बड़ी समस्या वेतन की है। आज हमारे केंद्रीय कार्यशाला माखूपुर अजमेर के अंदर हम सभी कर्मचारियों द्वारा टूल डाउन का जो हमने कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही मजबूरी में आकर के हमने रखा है। तीसरा महीना निकल रहा है, 19 तारीख आज हो चुकी है और हमें वेतन आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी सरकार से यही मंशा है कि भाई समय पर हमें वेतन देवे। कर्मचारी इतना आहत हो चुका है कि तीन तीन महीने अगर सैलरी ना मिले तो उनकी हालत क्या होगी ये बताना शायद मैं उचित नहीं समझता हूँ। और कई डिपो में ऐसा है कि 12 तारीख को ही सैलरी सब जगह जमा हो चुकी है लेकिन अजमेर जोन के अंदर आज तक हमें सैलरी नहीं दी गई है। ये दोहरा व्यवहार निगम का जो इस महीने से चालू हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत निर्णय लिया है निगम ने। अगर वेतन देना ही है तो सभी डिपो के अंदर एक साथ जारी किया जाए जिससे कर्मचारियों में विरोधाभास ना हो। और मेरा यही निगम प्रबंधन से निवेदन है कि हर महीने कम से कम सैलरी तो समय पर हम सभी को दी जाए क्योंकि हालात बदतर होते जा रहे हैं। निगम कर्मचारी परेशान होकर के ये मजबूरी में हम सबको ये आंदोलन करना पड़ता है और ये एक महीना ही नहीं, ये करीब 1.5 साल 2 साल से यही प्रथा चल रही है कि निगम प्रशासन अपनी इच्छा से कभी सैलरी देता ही नहीं है। कुछ ना कुछ हमें आंदोलन करना ही पड़ता है तब जाकर के निगम सैलरी प्रबंधन चेतता है और हमें सैलरी देता है। लेकिन इस बार 20 तारीख तीसरे महीने की निकलने के बाद भी 19 तारीख निकलने के बाद भी हमारे खाते में अभी तक वेतन नहीं आया। निगम प्रबंधन से यही निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र हमारे खातों के अंदर कर्मचारियों के 2 महीने की सैलरी कम से कम इस बार हमारे डालें। किस माह का वेतन बाकी है आपका? हमारा नवम्बर माह का अभी वेतन बाकी है और दिसंबर और ये जनवरी अभी 19 निकल ही चुका है, ये तीसरा महीना चालू है।